जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव के लिए शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई। तीन चरणों में होने वाले तय कार्यक्रम के तहत 18 सितंबर को पहले फेज की वोटिंग हुई। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर पाकिस्तान से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान ने सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला ने पाक नेता पर कड़ा पलटवार किया है। उमर ने कहा कि पाकिस्तान से हमको क्या लेना देना, हमको अपने मुल्क से मतलब है। अब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका नाम हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के विवादित बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक रिएक्ट किया है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल 370 और 35 ए पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन की बात ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इस बयान ने ये साफ कर दिया कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं और एजेंडा भी। पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हुए हर एक भारत विरोधी ताकत के साथ खड़े रहे हैं। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने हो या फिर भारतीय सेना के बारे में आपत्तिजनक बातें करना हो, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान के सुर हमेशा से एक रहे हैं। कांग्रेस का हाथ हमेशा देश विरोधी शक्तियों के साथ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान ये भूल जाते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है, इसलिए कश्मीर में ना तो आर्टिकल 370 वापस आने वाला है और ना ही आतंकवाद। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस मामले पर कहा कि बीजेपी और पाकिस्तान में कुछ साठ गांठ है। हम दोवल साहब से यह आग्रह करेंगे कि एक दिन के लिए, 24 घंटों के लिए हमें पेगासस दे दें, ताकि जुगलबंदी को हम बेनकाब कर सकें जो भाजपा और पाकिस्तान की है। जब भाजपा मुसीबत में होती है, एक लव लेटर पाकिस्तान से आ जाता है, कुछ ऐसा पाकिस्तान कह देता है जो भाजपा को बड़ा अच्छा लगता है, फिर एक दिन के लिए चलाते हैं उसको, जैसे अब आप लोगों के यहां चला रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है, भाजपा के दिन अब खत्म हो गए, सबके सामने भाजपा एक्सपोज हो चुकी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ने पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि ये संभव है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 ए को बहाल करने के लिए पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन एक ही पेज पर हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों की ही महत्वपूर्ण मौजूदगी है। इस इशू पर मुझे लगता है कि कश्मीर घाटी की जनता बहुत मोटिवेट हुई है, वादी के बाहर भी। बहुत चांस है कि वे सत्ता में आए, स्टेटस रिस्टोर होना चाहिए, इसे इलेक्शन का मुद्दा बनाया हुआ है। अगर स्टेटस रिस्टोर हुआ तो मैं समझता हूँ कि कश्मीरी लोगों को जो जख्म मिला है उसमें कुछ मरहम लगेगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35 ए की बहाली पर कांग्रेस साइलेंट मोड पर है। खास बात है कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र नहीं किया है। राहुल गांधी लगातार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाए जाने की बात कर रहे हैं।